हरियाणा के रोहतक से सांसद और कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने सोमवार को राज्य में ताबड़तोड़ रैलियां की। उन्होंने झज्जर, उच्चकरण और बोरी विधानसभा में सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान के समर्थन में प्रचार किया। इस दौरान उनके निशाने पर मुख्य रूप से प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी रही। उन्होंने किसानों, महिला पहलवानों और बेरोजगारों के मुद्दों पर बीजेपी को जमकर निशाना साधा। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि जनता ने बदलाव का मन बना लिया है, हरियाणा में भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हरियाणा में पूरी तरह से नजरअंदाज किया। पार्टी ये चुनाव भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान के नेतृत्व में लड़ रही है। हमारा लक्ष्य बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर कांग्रेस की सरकार बनाना है। उन्होंने कहा कि मोदी का रूस से पुतिन को भी बुला ले, लेकिन बीजेपी जीतने वाली नहीं है। चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद ने कहा कि पार्टी हरियाणा विधानसभा चुनाव भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदयभान के नेतृत्व में लड़ रही है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव के बाद विधायकों की राय जानने के बाद हाईकमान फैसला लेता है। उनका इशारा सीएम पद की ओर था। हुड्डा ने लोगों से कहा कि कांग्रेस के सभी नेतृत्व नेता एकजुट हों, आप उन्हें एक मंच पर देखेंगे और सभी प्रचार भी करेंगे। उन्होंने हरियाणा की बेरी विधानसभा सीट से पार्टी प्रत्याशी रघुवीर सिंह कादियान के समर्थन में डीगल गांव से रैली भी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि ऐसी सरकार है जिसमें 700 से ज़्यादा किसानों की कुर्बानी दी गई। अपनी जान कुर्बान करने के बाद आज तक एक भी बीजेपी नेता ने सहानुभूति नहीं निभाई। उन्होंने कहा कि जिस दिन फैसला आएगा डीगल गांव को जाने अनजाने ऐसी ताकतों की मदद नहीं कर देनी चाहिए जिन्होंने आपके घर उजाड़े। कांग्रेस नेता ने कहा कि हमारी बेटियों का क्या कसूर था, उन्हें दिल्ली की सड़कों पर क्यों घसीटा गया। उन्होंने कहा कि ये चुनाव देश के इतिहास में लिखा जाएगा। इतिहास में ऐसे कोई आंदोलन नहीं होगा जिसमें 700 किसानों की जान गई हो और भारत सरकार और बीजेपी की तरफ से सहानुभूति का एक भी शब्द ना आया हो। उन्होंने कहा कि 6-6 महीने तक हरियाणा की बेटियों के लिए एक FIR दर्ज तक नहीं की गई। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपनी 10 साल की नाकामी नहीं देख रही, वो सिर्फ कांग्रेस पर निशाना साध रही है। उसे ये नहीं दिख रहा कि हरियाणा में कोई काम नहीं हुआ। ये राज्य आज देश का सबसे गरीब राज्यों में से एक है। यहाँ बेरोजगारी क्यों है? कांग्रेस नेता ने कहा कि बीजेपी अपने 10 साल के शासन में बजाय हम पे निशाना साध रही है। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई काम ना करें जिसमें बीजेपी को कोई फायदा हो। अपना भला बुरा पहचानो, नहीं तो भविष्य में हम लोगों को पछताना पड़ेगा। ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ ऑन इंडिया।